हाय, दिस इज मोनालिसा एंड वेलकम टू दिशा फैशन इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे सीविंग और कटिंग मैट लेके। ये सीविंग मैट क्या होता है, सीविंग मैट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, सीविंग मैट कैसे होता है, तो ये सारी चीज लेके आज बात करेंगे। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा तो जरूर इस चैनल को लाइक, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीविंग मैट और कटिंग मैट होता क्या है? लेके बैठे हैं सीविंग मैट और कटिंग मैट। ये जो सीविंग मैट होता है, ये डिफरेंट साइज में मिलता है मार्केट में। ये बेसिकली कटिंग करने के लिए एक मैट होता है। जैसे हम लोग अगर बेड के ऊपर कुछ कटिंग करते हैं, या फ्लोर पे कटिंग करते हैं, या हम लोग अगर किसी टेबल के ऊपर अगर कटिंग करते हैं, किसी भी पेपर को पेपर में डिजाइन बनाना, या किसी भी जैसे फेल्ट के ऊपर डिजाइन बनाना, तो इस चीज के ऊपर डिजाइन करने के लिए हम लोग नाइफ इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी टेबल, किसी भी बेड, किसी भी फ्लोर पे अगर नाइफ हम लोग यूज करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। बेड में अगर करते हैं तो बेड का जो कवर होता है वो कट हो जाते हैं। टेबल में अगर करते हैं तो उसमें बहुत सारा स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये सीविंग मैट यूज करते हैं। और इस सीविंग मैट में और एक चीज हेल्पफुल होता है, जैसे ये जो सीविंग मैट होता है इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस में इंचेस या सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है वो इसमें दिया जाता है। तो अगर हम लोग किसी भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ता है तो वो भी हम लोग इस बोर्ड में, इस मैट में यूज कर सकते हैं। और ये मैट फुल्ली वॉशेबल है, हम लोग इसे वॉश कर सकते हैं आराम से। और इसमें जो मेजरमेंट दिया गया है, जैसे सर्कल में, ट्राइंगल में, ये भी हम लोग पैटर्न मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉट का मेज़रमेंट ले सकते हैं, सर्कल में कुछ अगर मेज़रमेंट लेना है तो बोर्ड का हेल्प हम लोग लेके कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कर्व करके या क्रॉस करके अगर फैब्रिक कट करना है तो इसमें हम लोग उसका भी मेज़रमेंट बोर्ड से लेके कर सकते हैं। और बोर्ड के ऊपर जितने सारे बॉक्सेस हैं, ये सेंटीमीटर एंड इंचेस का मेज़रमेंट दिया गया है, तो इसका भी हेल्प हम लोग लेके काम कर सकते हैं। इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन बाई इट ऑनलाइन फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो उसमें भी क्लिक करके ये परचेस कर सकती हैं। इसका प्राइस अराउंड 450 टू 650 के आसपास आ जाती है। अभी देखते हैं मैट के ऊपर कटिंग करने से कुछ स्क्रैचेस आता है या नहीं। जैसे मैं रोटरी कटर से फ्री हैंड कटिंग कर रही हूँ, उसमें नीचे डेफिनेटली स्क्रैचेस आ जाना चाहिए। अगर टेबल के ऊपर मैं फ्लोर पे करती हूँ या बेड पे करती हूँ, तो ये मैट के ऊपर ये कट करने से ऐसे करके शेप हम लोग देते हैं। जब क्राफ्ट का काम हम लोग करते हैं, बहुत किसी जगह पे बहुत सारे चीज़ों में ऐसे करके फ्री हैंड कटिंग हम लोग करते हैं शेप देने के लिए, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे अभी बोर्ड में कुछ स्क्रैचेस या कुछ ख़राब होने की चांसेस है या नहीं। चलिए अभी दूसरा नाइफ भी यूज़ करके देखते हैं उसमें कुछ होता है या नहीं। यहाँ पे मैं ऐसे करके शेप बनाई हूँ ताकि इसे कट करने में थोड़ा सा प्रेशर लगे। और इसमें मैं सिंपल नाइफ यूज करूँगी। चलिए अभी देखते हैं सिंपल नाइफ से कट करने से कुछ स्क्रैचेस या कुछ खराब होने की चांसेस है या नहीं। इसे भी हटा के देखते हैं, थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं। बिल्कुल कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए तो फिर देखते हैं इस मैट से मेजरमेंट हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन मार्क करके रखी हूँ ताकि इसमें डार्ट शेप हम लोग प्रॉपर दे सकें, और वो भी मैट के हेल्प से। और ये लाइन मैंने 3 इंचेस का की हूँ। अभी इसका जो सेंटर पोर्शन है, ये मैं ये जो ट्राइंगल शेप जो है इसके सेंटर में ऐसे करके रखना है। और जैसे 1/2 इंच का भी डार्ट लाइन मैं मार्क कर सकती हूँ, 1 इंच का भी मैं डार्ट लाइन मार्क कर सकती हूँ, 1.5 इंच का भी मैं डार्ट लाइन मार्क कर सकती हूँ। तो ऐसे करके मुझे इस लाइन को सेंटर में रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकती हैं 5 में एक यहाँ पे मैं लाइन को रख रही हूँ, और फिर दोनों साइड से 1/2 इंच में ऐसे करके मार्क करके इसका मेज़रमेंट मैं लेके, ये 1/2 इंच का ट्राइंगल शेप है, ये 1/2 इंच का डार्ट का शेप है। और यहाँ पे मैं 1 इंच अगर करना है तो ऐसे करके 1 इंच में भी ऐसे करके दोनों साइड में डॉट लगा सकती हूँ।
और अगर 1.5 लेना है तो ऐसे करके मैं 1.5 के हिसाब से भी मार्क कर सकती हूँ। तो ये अगर मेज़रमेंट लेंगे तो ये डार्ट 1.5 में बनेगा, अगर हाफ इंच में बनाना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये इजीली डार्ट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैट अगर आपके पास है, मैट के ऊपर अगर आप कटिंग कर रही हैं, तो ये इजीली आप मैट से ही मेज़रमेंट करके आप फटाफट ड्राइंग आप बना सकती हैं। अभी इसमें सेंटीमीटर की बॉक्सेस जो है, इसके अलावा ये थिक लाइन कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखेंगे। अभी मैं एक पैटर्न यूज़ करूँगी जिसमें मेरा ऑलरेडी शेप बन गया है, और यहाँ पे मैं एक पेपर यूज़ कर रही हूँ, और हम लोग फैब्रिक में ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न मैं ले रही हूँ जिसमें मेरा नेक लाइन, आर्म होल, ये पूरा शेप मैं ऑलरेडी दे दी हूँ। और जैसे प्लेन ब्लाउज़ करने के लिए या कुछ भी ब्लाउज़ का शेप देने के लिए ऐसे हम लोग पैटर्न तो पहले बना लेते हैं, बट इसमें कभी कभी हम लोग ऐसे नेक लाइन कट कर लेते हैं, उसके बाद अंदर का जो पोर्शन होता है वो हम लोग बाद में मार्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शोल्डर वाला पोर्शन जो है, ये नेक लाइन वाला पोर्शन जो है, ये मेरा ऑलरेडी कट हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन और ये आर्म होल का पोर्शन, ये दोनों मेरा कट हो गया है। मुझे अभी क्या करना है, अगर मैं आर्म होल के तरफ से, जो शोल्डर मेरा कट हो गया है ये आर्म होल के तरफ से, अगर पैरेलल मुझे यहाँ से मेजरमेंट लेना है, तो ये वाला पोर्शन तो मेरा ऑलरेडी कट हो गया है, अभी कैसे मैं लूँ। तो किसी भी, अगर मैं फ्लोर पे रख के करती हूँ, किसी भी जगह पे अगर रख के मैं करती हूँ, तो ये जिस एरिया मेरा ऑलरेडी कट हो गया है वहाँ का तो मेज़रमेंट मुझे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके बोर्ड के ऊपर रखती हूँ, ये किसी भी आप थिक लाइन पकड़ लीजिए जिसमें आप शोल्डर को मैच करवा के एंड नेक लाइन को मैच करवा के रख सकती हैं। अभी मुझे ये थिक लाइन पकड़ के मेज़रमेंट को समझना है। तो चलिए पहले ये पैटर्न जो है, इसे पहले इस लाइन के साथ सेट करते हैं। अभी शोल्डर ऊपर वाला जो एक लाइन है, इसके साथ मैच करवाना है। तो मैं यहाँ पे शोल्डर एंड नेक लाइन दोनों को अच्छे से इस लाइन के साथ सेट कर लेंगे। अभी इस शोल्डर से, जहाँ पे मेरा नेक लाइन कट हो गया, यहाँ से मुझे अगर नेक का डेप्थ बढ़ाना है तो ऐसे करके मैं नेक का डेप्थ मेज़र करके मार्क कर सकती हूँ। अगर मुझे प्लेन ब्लाउज बनानी हो तो इसमें जैसे सेंटर बस्ट की लेंथ लेनी पड़ती है, वैसे करके भी हम लोग ले सकते हैं। अभी देखिए, इस मैट से हम लोग रेडी ब्लाउज भी मेज़रमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर दूसरे ब्लाउज जो है वो अगर बनानी हो तो इसमें नेक लाइन का जो डेप्थ होता है, नेक का जो विड्थ होता है, तो ये बहुत सारा मेज़रमेंट हम लोग इस मैट के हेल्प से हम लोग ले सकते हैं। मानिए यहाँ पे मेरा नेक का विड्थ कितना है, ये हम लोग यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। अगर टेबल के ऊपर रख के अगर ये मेज़रमेंट लूँगी तो मुझे प्रॉपर नेक का विड्थ कितना है ये पता नहीं चलेगी। यहाँ पे नेक का डेप्थ कितना है, ये अगर मैं नॉर्मल टेबल, फ्लोर, बेड, इस चीज़ के ऊपर रख के मैं लूँगी तो मुझे प्रॉपर लेंथ नहीं पता चलेगी। तो इसीलिए ये मैट ऐसे रेडी ब्लाउज से मेजरमेंट लेने के लिए भी हेल्प होता है। यहाँ पे इतने सारे सर्किल की मेजरमेंट है, और अगर एक फैब्रिक में स्ट्रेट स्ट्रिप कट करना हो या बड़ा सा फैब्रिक है, तो ऐसे करके हम ऐसे स्ट्रिप कट करने के लिए, मानिए 1.5 इंच या 3 इंचेस में ऐसे करके मार्क करेंगे। तो ये जो बॉक्स है, ये दोनों को लेके यहाँ पे मेरा 1.5 आ रहा है, तो 1.5 में ऐसे करके मैं मार्क कर रही हूँ। ये यहाँ पे मैं एक छोटा सा पेपर यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं पूरा कैप्चर कर सकूँ, ताकि प्रॉपरली मैं इसमें दिखा सकूँ। ये बोथ साइड मैं ऐसे करके मार्क लगा रही हूँ, और उसके बाद मुझे इसे कनेक्ट करना है और फिर कट करना है। और इसके लिए हम लोग, अगर आपका फैब्रिक बड़ा फैब्रिक होगा, लंबाई में बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें हम लोग स्केल यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसमें फैब्रिक को फोल्ड करके या मेजरिंग टेप की हेल्प से ये स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इस कर्व लाइन के हेल्प से हम लोग ऐसे कर्व लाइन भी बना सकते हैं। So, इस
वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो चैनल को जरूर लाइक कमेंट्स एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही सेविंग ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।